अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू यू ऑल इट आवर सेकंड ड्राइंग क्लास और क्लास 5. इन द लास्ट क्लास वी हैव डन पेज नंबर 2 दैट इज़ थंब इम्प्रेशन. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पेज नंबर 3 दैट इज़ मोज़ेक पेंटिंग. मोज़ेक पेंटिंग में आपने यूज़ करना है क्या, मार्कर्स, स्केच पेंस. ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि हम कलरिंग नहीं करते, हम डिफरेंट छोटी छोटी शेप्स बना के उसकी फिलिंग करते हैं और उससे डायग्राम को कलरफुल बनाते हैं. ठीक, ऑब्जर्व एंड कम्प्लीट द पिक्चर बाई ड्राॅइंग वेरी स्मॉल शेप्स विद डिफरेंट कलर स्केच पेंस. सी हाउ ब्यूटिफुल द मोज़ेक डिज़ाइन लुक्स. लुक एट द पिक्चर एज यू सी इन द स्पैरो, देयर आर सम एम्प्टी स्पेस एंड सम स्पेसिस आर फिल्ड. कुछ जगह जो है वो भरी हुई हैं, फिल्ड हैं, छोटी छोटी शेप्स बनी हुई हैं ट्राइंगल्स की. ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा ना. ठीक है, तो आपने जो एम्प्टी स्पेस है इसमें भी इसी तरह की शेप्स बना के उनकी फिलिंग करके इस डायग्राम को कंप्लीट करना है. लीव्स को, नेस्ट को, ये देखें लीव्स हैं, नेस्ट हैं, ग्रीन मार्कर यूज़ हुआ हुआ है, येलो है, इसमें भी येलो है, ऑरेंज है, रेड है. तो ये आपने इस तरह से पूरी डायग्राम को कंप्लीट करना है. मैं आपको रफ शो कर देती हूँ कि आपने मोज़ेक पेंटिंग में करना क्या है. देखें मैं एक स्क्वायर बना रही हूँ ताकि आपको मैं मोज़ेक पेंटिंग समझा सकूं कि आपने असल में करना क्या है. जिस तरह आप पज़ल गेम खेलते हैं, पज़ल गेम में आप क्या करते हैं, शेप्स को ज्वाइन करते हैं आपस में. शेप्स को ज्वाइन करने के बाद क्या होता है, आपकी जो डायग्राम है, जो पिक्चर होती है वो कंप्लीट हो जाती है. एज इट इज़ आपने यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ योर पेन और मार्कर ड्रा डिफरेंट शेप्स. फिर उन शेप्स को क्या करना है, आपने फिल्ड करना है. बहुत ज़्यादा बारीक और छोटी छोटी शेप्स भी नहीं बनानी, तो उसकी फिलिंग में आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा और वो बहुत अनडाइडी हो जाएगा. पज़ल गेम की तरह आपने शेप्स के साथ शेप्स को ज्वाइन करके इसको इस तरह से कंप्लीट करना है. मैंने स्क्वायर को फिल्ड कर लिया है, देखें. अब आपने इसके अंदर फिलिंग करनी है ताकि फिलिंग से क्या हो, आपकी डायग्राम की कलरिंग जो है वो इस तरह से कम्प्लीट हो जाए. ये इसकी टेक्निक है. ठीक है, बहुत ईजी है, डोंट बी कन्फ्यूज. ये देखिए, इस तरह सारी डायग्राम्स को फिल कर लेंगे तो ये आपकी डायग्राम जो है वो इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी. ठीक है, पेज नंबर 3 आपने बुक पे कंप्लीट करना है. नेक्स्ट, हमने लास्ट क्लास में बनाया था मोनोकॉट शीट एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू द डायकॉट शीट. डायकॉट शीट और मोनोकॉट शीट जो है वो डिफरेंट होते हैं. ठीक है, मोनोकॉट शीट में हमने मेज शीट बनाया था. मेज शीट जो है तो वो ईज़िली टू पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता. डायकॉट शीट जो होते हैं वो हम जब ओपन करते हैं तो वो ईज़िली टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं. जैसे आप पीनट को देख लें, मूँगफली, मूँगफली जो है वो ईज़िली हम ओपन करते हैं वो टू पार्ट्स में ईज़िली डिवाइड हो जाती है. इस तरह यहाँ पे जो हम एग्जांपल ले रहे हैं डेट इज़ द बीन सीड. बीन सीड ईज़िली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. जब हम बीन सीड को ओपन करें तो वो ईज़िली टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है. इसके कॉटिलेडन कहलाते हैं, एक लेफ्ट में, एक राइट में. मोनोकॉट शीट में एक कॉटिलेडन होता है. ठीक है, डाई मीन्स टू, तो यहाँ पे हमें टू कॉटिलेडन्स मिलते हैं. ठीक है, बनाने की शेप मैं आपको बता दूँ. सबसे पहले मार्जिन लाइंस आप लगाएंगे. मार्जिन लाइंस नीट एंड टाइडी होनी चाहिए, नीट होनी चाहिए. ठीक, फिर आपने क्या करना है, एक सर्कल बनाना है. विद द हेल्प ऑफ कंपास भी बना सकती हैं, विद द हेल्प ऑफ एनी राउंड शेप, कोई भी आप टॉप यूज़ कर लें, राउंड शेप यूज़ कर लें, वो ले लें, उससे आपने इसको बनाना है. ठीक है, फिर आपने इसको बीन शेप देनी है, बीन सीट की, लाइक दैट. ठीक है, ये देखें जी, हो गया. अब जो सर्कल है साइड्स पे जो मुझे यूज़ नहीं हो रहा, वो उसको रफ करके इसको मैं नीट कर लूँगी. अब आपने इसके सीट कोट को क्या करना है, डबल कर लेना है. लाइट पेंसिल यूज़ करें ताकि अगर कुछ गलत हो जाए तो आप उसको ईज़िली इरेज़ कर सकें. डार्क पेंसिल जो है वो इरेज़ नहीं होती और पेज को बहुत ज़्यादा जो है तो वो अनटाइडी. अब सीट कोट कहते हैं कैसे, आपने देखा होगा अक्सर सीट्स के ऊपर हल्का बारीक सी छिलका सा होता है ना, उसको हम कहते हैं सीट कोट. ये हो जाएगा डबल. इसके बाद आपने यहाँ पर एम्ब्रियो बनाना है, जस्ट लाइक लीफ शेप. लो, ठीक है, लीफ शेप हो गया. ये सीट कोट, डायकॉट सीट कंप्लीट हो गया. अब आपने इसकी शेडिंग करनी है. शेडिंग आप पेंसिल से करेंगे, लाइट शेड पहले करना है. लाइट शेड के ऊपर आपने मस्क, टिश्यू पेपर या कॉटन या आपने पीस ऑफ क्लॉथ को यूज़ करना है. इससे क्या होता है कि आपकी शेडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है. देखें, फ़िलहाल मैं आपको शो कर रही हूँ, यहाँ पर शेडिंग देखें रफ सी है. अब मैं अगर इसके ऊपर ये देखें,
टिश्यू पेपर यूज़ कर लूँ तो क्या होगा, इट विल बी नीट लुक। अब ये साइड देखें नीट आई है, ये साइड अनटाइडी है क्योंकि इसके ऊपर मैंने टिश्यू पेपर इरेज़ नहीं किया हुआ, इसके ऊपर मैंने टिश्यू पेपर इरेज़ किया रब किया हुआ है, ठीक है। इस तरह से आपने लाइट शेड करना है। फिर डार्क शेड कहाँ होगा, एम्ब्रियो में डार्क शेड करना है और सीट कोट में, फुल सीट कोट में दोनों साइड्स पे आपने डार्क शेड करना है। उसके बाद आपके पास आ जाती है ले आउटलाइन, आउटलाइन विद पेंसिल, ठीक है। आपने पेंसिल से आउटलाइन करनी है। यहाँ देख लें द कॉटिलेडन, टू कॉटिलेडन हैं, कोशिश से भी आप एरो लेकर आएँ। एरो आपने विद द हेल्प ऑफ पेंसिल लगाना है, स्ट्रेट लगाना है, नीट लगाना है। एरो का साइन मस्ट बनाएंगी। उसके बाद लेबलिंग लिखने के लिए डबल लाइन लगानी है, एंड सी द स्पेलिंग COTYLEDON कॉटिलेडन। नेक्स्ट दिस इज द एम्ब्रियो, सो ब्रिंग द लाइन, राइट द स्पेलिंग EMBRYO एम्ब्रियो हो गया। नेक्स्ट इज सीट कोट, सीट कोट आप कहीं से भी देखें एरो ला सकती हैं। मैंने यहाँ से एरो लगाया, एरो का साइन बनाया हुआ है, एंड सीट कोट SEED सीट COAT सीट कोट डन। थ्री लेबलिंग आर हेयर, लेबलिंग शेडिंग ऑल इज कम्प्लीटेड। So it is our today's lecture. You have to do page number 3 on book and dicot seed in the rough copy. ठीक है, इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है। ठीक, जून टास्क में आपको दिया गया था डायकॉट एंड मोनोकॉट सीड, वो आपने कॉपी में बनाना है। और उसके साथ फिगर आपको दी गई थी कि 1 से 9 तक कोई भी एक नंबर सेलेक्ट करके आपने उसकी कोई भी फिगर जो है वो कॉपी में बनानी थी। वो जून टास्क में आपने अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है। ये जो है यहाँ पर मैं आपको इसको रफ क्लास वर्क में मैं आपको क्या दे रही हूँ, इसके होमवर्क में कि आप इसकी रफ कॉपी पे प्रैक्टिस करेंगे। ओके एंड स्टे ब्लेस, होप यू विल बी डू योर होमवर्क नीट एंड टाइडी। अल्लाह हाफिज़।